सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूबर विवेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरे ओ पाक, तेरा हर सपना सवारा ही रहेगा, तेरा हर सपना सवारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल के जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूबर विवेक, मैं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बाबर मैक्स 46। पता नहीं क्या नाम सोच के इसके माँ बाप ने इसको बाबर मैक्स 46 रख दिया। बार बार जो ये नाटक किए जा रहा है, तू मतलब मानेगा नहीं क्या? अभी तुमने उस दिन मुझे कमेंट में बोला सॉरी भाई अब नहीं होगा, लेकिन क्या मतलब तू सुधरने वाले में से नहीं है? हाँ, अब तुझे लास्ट वार्निंग देते हैं, और तुम जैसे पागल कुत्तों की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं ना, उस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ तू है। अबे रॉक फैन भी है, जाके रॉक फैन को देख यार, हम लोग उस पर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? रॉक फैन है पाकिस्तान का, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। उससे सारे वीडियो मैं देखता हूँ, कमेंट वगैरह करता हूँ। क्यों? क्योंकि यार बंदा मस्त है, आज तक कभी नहीं उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़ा कराने वाला वीडियो बनाया। और ये जो तेरे साथ जो लल्लू टट्टू रहते हैं ना, फुल सपोर्ट में है तू, ज़्यादा उस सब के सपोर्ट में भोगता रहता है ना, तो तुझको बतला देते हैं, तेरे इस सारे वीडियो से देख कर यार माथा एकदम ख़राब होते जा रहा है। और मतलब तुझे पॉपुलर होने के लिए अपने देश को बदनाम कर देगा तू लोग। तू मतलब तू लोग है वैसा ही कि जैसे अपना व्यूज़ और कमेंट लाइक पाने के लिए अपने देश को बदनाम कर दो। मतलब यार कोई देश की इज्जत ही नहीं है यार, सिर्फ बने देशभक्त हो। हाँ, वीडियो बना लिए देशभक्ति के लिए कि मैंने यार इंडिया के रिप्लाई दिया है, उसने मुझसे ऐसे बोला। हाँ, ये मतलब कहने का चाह रहे हो तुम, अपने देश के लिए करो ठीक है। और रहेगी कश्मीर की, जो कल तुमने आर्मी वाली वीडियो बनाई थी, उस सब आर्मी वाली वीडियो को डिलीट कर दो, और अच्छा ही रहेगा अगर तुम हमारे वीडियो का ये सब वीडियो का रिप्लाई ना दो। और यार मैंने कितने वीडियो में तुम्हें बोला कि अपने सुनने की आदत बनाओ बाबर मैक्स 46 ठीक। मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, तुम अपने सुनने की क्षमता बढ़ाओ। तुम ये सब जो हम लोग तुम लोगों को बोलते, तुम लोग गलती की हो वैसा अपना कहो। और ये जो खा दिखा रहे थे वीडियो आज के वीडियो में, इंडिया और पाकिस्तान की मैच, हाँ अरे यार पता है कोहली है ना, जो उस दिन कहे कि यार चलो यार इतने मैच जीतते हैं, एक हार के भी देखे कैसा लगता है। उनकी मामा पता है क्या कहती, तेरे भाषा में मामा ना, मामा, उसकी मामा पता है क्या कहती है, हाँ कि बेटा इतने ट्रॉफी धरी लेते हैं अगर तब पाकिस्तान वाले क्या झक मारेंगे, तो मैं आपको बतला देता हूँ। और ये जो एक दो मैच ना जाने कितने सदियों पुरानी मैचें जीते होंगे, उस समय पता नहीं कौन कैप्टन कौन क्या था, जो भी हो तो वो मैच जीत लिया, तो अभी सोशल मीडिया पे डाल दिया, खूब मस्ती करने लगा थोड़ा अपनी ये पाकिस्तान की वीडियो। देखा वीडियो, ऐसे ऐसे पाकिस्तान के बीच हम लोग के अंदर जिगरा रहता है यार, ये हारने के बाद भी हम लोग गम नहीं खोते, हारने के बाद भी हम लोग को कोई गम नहीं रहता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में कभी जीत के दिखो। तो एक दो मैच ऐसे वैसे तो होते रहते हैं, और तुम लोगों का क्या, हाँ अब पाकिस्तानी सवारी देखोगे जिससे तुम लोग जाते हो, ये देखो। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर 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 से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। अब बोलती बंद हो गई, और अब मैं तुमको बतला दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा वीडियो वगैरह हम लोगों को ऊपर बना रहे हो तो सुधर जाओ, नहीं तो इधर से रिप्लाई पे रिप्लाई पढ़ने लगेगा ना, तो सोचते रह जाओगे कि रिप्लाई किस पे दे। तो अब मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब से हमारे ऊपर वीडियो मत बनाना ठीक है। नहीं करेंगे सॉरी भैया, भैया हमको माफ़ कर दीजिए। अब इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद,
पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखा आपने, ये थी इसकी औकात। हाँ, आ गया अपने औकात पे और चलता है इंडिया पे वीडियो बनाने सारा। तुम लोगों को कोई काम तो है नहीं दिन भर। जब अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा 10 मिनट बाद पता लगा हमारा रिप्लाई आ गया। तो ऐसे ऐसे काम ना किया करो, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।